हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। हम बात करेंगे इंडिया के नए मिलिट्री बेस के बारे में। इंडिया का नया मिलिट्री बेस ये किस देश में है? ये सेशेल्स में है। सेशेल्स एक आइलैंड नेशन है इंडियन ओशन में। तो इस वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि सेशेल्स ने इंडिया को एक मिलिट्री बेस आखिर दिया क्यों, इंडिया को ये बेनिफिट कैसे करेगा, चाइना के इंडियन ओशन रीजन में कितने मिलिट्री बेसेस हैं और उससे चाइना को क्या एडवांटेज मिलता है, यूएसए, फ्रांस, इन कंट्रीज़ का इंडियन ओशन में कितना दबदबा है, और फाइनली मिलिट्री बेसेस इतने इंपॉर्टेंट होते भी क्यों हैं, क्या इनसे कुछ वॉर बदल सकती है, ये क्या इम्पैक्ट डालते हैं। अ लॉट टू लर्न, अ लॉट टू डिस्कस। लेट्स स्टार्ट गाइस। एंड ऑफ कोर्स मैं आपको स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज के बारे में बताना चाहता हूँ। घर बैठ के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। विद आर फिनोमिनल कोर्सेज, आर कोर्सेज आर अवेलेबल फॉर वेरियस एग्जाम्स। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, यूपीएससी की, इन सब एग्जाम्स के लिए हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज भी है फॉर यूपीएससी एंड एसएससी एस्पिरेंट्स, फॉर सीजीएल, सीएचएसएल, एवरी एग्जाम इज कवर्ड। आप studyiq.com पे जाइए, यहाँ पे आपको डेमो लेक्चर्स भी मिलेंगे एंड यू कैन परचेज द लेक्चर ऑफ योर चॉइस एंड स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम होम। तो रिसेंटली हुआ क्या, इंडिया और सेशेल्स ने 2015 में एक एग्रीमेंट साइन किया था। उस एग्रीमेंट के हिसाब से इंडियन मिलिट्री और इंडियन नेवी को ये इजाज़त दे दी गई थी कि वो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती हैं एजम्पशन आइलैंड पे। एजम्पशन आइलैंड सेशेल्स का एक पार्ट है। सेशेल्स अपने आप में आइलैंड्स का ग्रुप है, कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा लैंडमार्क वाली कोई कंट्री है। तो उनमें से एक स्ट्रेटेजिकली एक बहुत ही महत्वपूर्ण आइलैंड था एजम्पशन आइलैंड। इंडियन गवर्नमेंट को पता था कि अगर इस आइलैंड पे इंडियन नेवी डॉक करती है, यहाँ पे हमारे ट्रूप्स होते हैं, तो हमको पूरे इंडियन ओशन में निगरानी करने के लिए एक बहुत ही अच्छा एरिया मिल जाएगा, और इसीलिए 2015 का एग्रीमेंट साइन हुआ। मगर सब कुछ इंडिया के हिसाब से नहीं गया, क्योंकि सेशेल्स में इलेक्शन हो गए, नई सरकार आई, उन्होंने कहा अरे ये एग्रीमेंट तो हमको पसंद नहीं है, यहाँ पे कुछ क्लॉजेस हैं जो हमारे देश की सिक्योरिटी के अगेंस्ट जा सकती हैं, और वो चाहते थे कि इस एग्रीमेंट को रिवाइज किया जाए, कुछ क्लॉजेस उसमें सेशेल्स के हिसाब से डाली जाए। इंडिया को मजबूरन हाँ करना पड़ा इसको लेकर, और अभी रिसेंटली 2018 में ये एग्रीमेंट रिवाइज हो चुका है और इंडिया को ऑफिशियली इंडियन ओशन में एक मिलिट्री बेस मिल गया है। अब मैं आपको बता दूं कि इस रिवाइज्ड एग्रीमेंट में ये जो शब्द है मिलिट्री बेस, इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, मगर यहाँ पे इंडियन नेवी को डॉक करने की इजाज़त होगी, इंडिया मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है, इंडिया यहाँ पे रेडार यूज़ कर सकता है। तो बेसिकली ये एक मिलिट्री बेस ही है, बस इसको नाम वो नहीं दिया गया। अब इस पूरी कहानी में एक व्यक्ति ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मैं उनका यहाँ पे नाम लेना चाहता हूँ क्योंकि अब वो रिटायर हो रहे हैं। ये है हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर। ये 28 जनवरी 2018 को रिटायर हो गए और इन्हीं की निगरानी में इस पूरे एग्रीमेंट को रिवाइज किया गया, सारी नई क्लॉजेस डाली गई, सेशेल्स को मनाया गया और अब इंडिया को जो इंडियन ओशन में मिलिट्री बेस चाहिए था वो मिल चुका है। मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए ये बता दूं कि अभी जो एस जयशंकर जी रिटायर होंगे, उनके बाद जो नए हमारे फॉरेन सेक्रेटरी होंगे वो विजय केशव गोखले होंगे। और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी कंट्री का फॉरेन सेक्रेटरी होता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। जो भी हमारी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी है उस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट छाप हमारे फॉरेन सेक्रेटरी की भी होती है। तो एक सेकंड के लिए यहाँ पे एस जयशंकर जी का जो इलस्ट्रियस करियर है उसके बारे में देख लेते हैं। एस जयशंकर जी का पूरा नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर, यहाँ पे इनकी ये फोटो है। इन्होंने IFS ज्वाइन किया था। देखो आपको पता है आप UPSC एग्जाम जब आप क्लियर करते हो आपके सामने ऑप्शंस होती हैं कि आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा सकते हो, इंडियन फॉरेन सर्विस में जा सकते हो या आप IPS बन सकते हो। तो ये IFS में गए थे और 1997 में। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ में एज डिप्लोमैट काम किया, USA, इन्होंने सोवियत संघ के ज़माने में वहाँ पर एज जॉइंट सेक्रेटरी काम किया, चेक रिपब्लिक, चाइना और सिंगापुर में भी हाई कमिश्नर रहे ये, और अब जाके इनका एक इलस्ट्रियस करियर ख़त्म हो रहा है। और जो इंडिया और USA के बीच में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, 1-2-3 एग्रीमेंट अंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड जॉर्ज बुश, उसमें भी इनका एक बहुत ही अहम रोल था। तो ऐसे लोगों का नाम मीडिया में आता नहीं है, मगर ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए। इन्होंने इंडिया की बहुत ही लंबे समय तक सेवा करी है और काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी दिया हमारे देश को उन्होंने। अब वापस आते हैं एजम्पशन आइलैंड पे। अब बेसिकली सेशल्स की सरकार को प्रॉब्लम क्या थी इस आइलैंड को इंडिया को लीज पर देने में, फॉर इंडियाज नेवल बेस। इंडिया का पहला नेवल बेस यहाँ पे बनेगा इंडियन ओशन रीजन में, बहुत बड़ी बात है। मगर रुकावट यहाँ पे आई क्या थी,
देखो सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि यहाँ पे सेशल्स के लोगों को ये डर था कि कल को अगर वॉर हो जाती है और इंडिया इस नेवल बेस को इस्तेमाल करता है तो ऐसा ना हो कि कोई बड़ी पावर चाइना या यूएसए वो सेशल्स पर अटैक कर दे और सेशल्स को वो ऑक्यूपाई कर ले, ये उनके लिए ख़राब होगा ऑफ कोर्स। तो इस एग्रीमेंट में इसी बात को लेकर सेशल्स को ये बताया गया कि वो चाहें तो इस लीज़ को वो टर्मिनेट भी कर सकते हैं। वैसे इंडिया ये जो एजम्पशन आइलैंड है सेशल्स से लीज़ पे ले रहा है 20 साल के लिए, हालांकि इसमें एक क्लॉज ये भी है कि 10 साल के लिए ये लीज़ आगे बढ़ाई भी जा सकती है, रिव्यू के लिए है वो। मगर सेशल्स के लिए एक यहाँ पे क्लॉज ये डाल दी गई है कि अगर इंडिया वॉर पे जाता है तो सेशल्स को अधिकार है इस एजम्पशन आइलैंड की लीज़ कैंसिल करने का, मगर ये कैंसिल करने से पहले इंडियन गवर्नमेंट को वो एक साल का टाइम पीरियड देंगे। ऐसे नहीं है कि इंडिया अचानक से कोई संकट की सिचुएशन में फंस गया, यहाँ पे उनकी वॉरशिप है और सडनली यहाँ पे सेशल्स की सरकार कह रही है कि जाओ हमारे आइलैंड से, ये हमारा आइलैंड है, वो एक साल का नोटिस देंगे, इंडिया आराम से अपना जो भी नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको आराम से निकाल कर अपने देश में ले जा सकता है एंड इट विल बी ओके। तो यहाँ पे जो इंडिया को चाहिए था इंडिया को भी मिल चुका है और जो सेशल की कंसर्न्स थी वो भी अब निपटा दी गई हैं। अब यहाँ पे ये मैप देखो, ये है हमारा प्यारा भारत यहाँ पर, ऑलराइट, और ये नीचे सारा ये एरिया ये है इंडियन ओशन, और यहाँ पे आप देखोगे ये है सेशल्स, ऑलराइट। सेशल्स एक आइलैंड का ग्रुप है, काफ़ी फैला हुआ है पूरे इंडियन ओशन रीजन में ये, और यहाँ पर जो ये आप देख रहे हो नंबर 3 वाला जो यहाँ पे आइलैंड है ये है एजम्पशन आइलैंड। तो इंडियन नेवी का जो बेस होगा वो यहाँ पर बनेगा, आप देख सकते हैं ये मेडागास्कर के बहुत ज़्यादा करीब है। मेडागास्कर एक अफ्रीकन कंट्री है और आप ये भी नोटिस करोगे कि यहाँ पे सोमालिया के भी करीब है। तो हालांकि यहाँ पर इंडियन नेवी का एक बेस बनेगा मगर सेशल्स ने यहाँ पर इंडियन नेवी को ऑन पेपर बात कर रहा हूँ मैं, रियलिटी की बात नहीं कर रहा, ऑन पेपर इंडियन नेवी को ये बेस इसलिए दिया है सेशल्स ने ताकि यहाँ पर जो पायलट्स हैं सोमालिया के जो काफ़ी बार शिप्स को हाईजैक कर देते हैं या और कुछ यू नो मिसचीवियस हरकत करते हैं तो उसको रोका जा सके। अब हालांकि वो दिया इसलिए मगर ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इंडियन नेवी ऑपरेट करेगी और पूरे इंडियन ओशन रीजन में कोई भी अगर सबमरीन मूव करती है, कोई अगर वॉरशिप बड़े स्केल पर मूव कर रही है, कुछ ज़्यादा बड़ी मूवमेंट हो रही है तो यहाँ पे एक रेडार से इस एरिया को वो मॉनिटर कर सकते हैं। आप नोटिस करोगे कि चाइना का भी यहाँ पे एक मिलिट्री बेस है जिबोती में, इस एरिया में, यहाँ पर यह है जिबोती, यहाँ पे चाइना का मिलिट्री बेस है, ना सिर्फ चाइना का, फ्रांस का भी है यहाँ पे, जापान और यूएसए का भी है, मगर यूएसए का एक यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बेस है, नेवल बेस है, वो है डिएगो गार्सिया। मुझे काफ़ी बार सरप्राइज होता है कि कई बार स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि डिएगो गार्सिया यहाँ पे जो एक एटोल है वो यूएस का एक नेवी का बेस है यहाँ पर, ये है डिएगो गार्सिया और इसकी एक काफ़ी ख़राब हिस्ट्री भी है। बेसिकली यूएस नेवी ने इस पूरे एटोल को जब ऑक्यूपाई किया था तो यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे उनको ज़बरदस्ती यहाँ से भगा दिया गया था और काफ़ी सारी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई थी और आज के टाइम में इस पूरे एटोल में आपको सिर्फ यूएस की जो नेवी है उनके लोग मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि डिएगो गार्सिया की वजह से यूएस नेवी को कितनी बढ़िया पोजीशन मिलती है पूरे इंडियन ओशन रीजन में। तो इंडिया ऑफ कोर्स जब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा एजम्पशन आइलैंड में तो वहाँ पे एयर स्ट्रिप्स बनाएगा ही और साथ में नेवी को डॉक करने के लिए भी वहाँ पे काफ़ी सारी और इक्विपमेंट वगैरह इंस्टॉल होंगे, मगर साथ ही साथ इस सब से क्या है कि सेशल्स को भी फ़ायदा मिलेगा। सेशल्स का जो कोस्ट गार्ड है वो इस वक्त सेशल्स का जो पूरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, बेसिकली सेशल्स अपने आप में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप कोई इंडस्ट्री खोल सको, तो उन्होंने बहुत सारे आइलैंड्स को एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बना रखा है, वहाँ पे टैक्सेस की छूट मिलती है, इसलिए सेशल्स काफ़ी बार मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है। तो इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को प्रोटेक्ट करने के लिए सोमालिया के पायलट से या किसी और तरीके के खतरे से इंडियन नेवी हमेशा वहाँ पे मौजूद रहेगी। अब ये इंडिया के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहली बात तो ऑफकोर्स चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, चाइना जिबूती में एक नेवल बेस बना चुका है, उस सब के अलावा ग्वादर में चाइना अपनी सबमरीन डॉक करने से शुरू कर दिए, इवन दो ग्वादर चाइना का एक ऑफिशियल नेवल बेस अभी नहीं बना है। फिर क्या है कि इंडिया यहाँ पर यूएस के साथ मिलकर, फ्रांस के साथ मिलकर इस पूरे एरिया में, इस पूरे इंडियन ओशन रीजन में प्रॉपर सर्वेलेंस कर सकता है और इससे इंडियन ओशन रीजन में कोई भी अगर हरकत होती है तो उससे इंडिया, यूएस, फ्रांस और इंडिया के जो भी एलाइज हैं, जो भी स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं, उनको आराम से कोऑपरेट करने में मदद मिलेगी। अब इस सब में एक बहुत बड़ा रोल होगा कोस्टल रेडार सिस्टम का, CSR, जो सेशल्स का जो एजम्पशन आइलैंड है वहीं पर अभी लोकेटेड है और इंडिया इसी कोस्टल रेडार सिस्टम का यूज़ करेगा।
चाइना पे या किसी भी और कंट्री पे नज़र रखने के लिए। अब इस मैप से आपको और क्लैरिटी मिलेगी। देखो ये है पूरा इंडियन ओशन रीजन, मेडागास्कर के पास ये रहा सेशल्स, ठीक है, और यहाँ पे ये जो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ये है अजम्पशन आइलैंड, यहाँ पे इंडियन नेवी का बेस बनेगा। आपको पता है ऑलरेडी यूएस नेवी का बेस यहाँ पे है, जो डिएगो मैंने आपको बेस बताया था यहाँ पर है। अब फिर फ्रांस यहाँ पे कैसे आ जाता है, फ्रांस तो यूरोप में था, यहाँ पे कैसे फ्रांस आ गया। देखो फ्रांस का यहाँ पे एक आइलैंड है रियूनियन आइलैंड। अब आपको लग रहा होगा कि इंडियन ओशन के बारे में इतना आपको पता नहीं है। रियूनियन आइलैंड जो है फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है और यहाँ पे आपको फ्रेंच नेवी, फ्रेंच सबमरीन मिलेगी। अब इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि फ्रांस बहुत ही उत्सुक है इंडिया के साथ इस एरिया में रिलेशन सुधारने के लिए, बढ़ाने के लिए एक्चुअली। और यहाँ पर इंडिया और फ्रांस ने इंडियन ओशन रीजन सिक्योरिटी के लिए काफ़ी कदम उठाए हैं। एक तो यह है कि पूरे एरिया में सर्विलेंस रखने के लिए उन्होंने काफ़ी एक बड़ा एक नेटवर्क बिछा रखा है रेडार का। इसमें यह करते हैं कि समुद्र के नीचे काफ़ी बार सेंसर्स डाल देते हैं बहुत सारी जगहों पर, ताकि कोई सबमरीन आती है, कोई अगर वॉरशिप आती है तो उसके बारे में इमीडिएटली जो रेडार है उनको उसको पता लग जाए, क्योंकि इंडियन ओशन इतना बड़ा है कि वहाँ पे मूवमेंट आप हर वक्त एयरक्राफ्ट से सर्विलेंस उसका आप नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई रेडार चाहिए होगा। तो इसमें इंडिया और फ्रांस मिलकर काम कर रहे हैं जो काफ़ी अच्छी बात है, और इसका एग्रीमेंट रिसेंटली 2017 में ही साइन किया गया था। फ्रांस आपको पता होगा कि 1998 से इंडिया का एक स्ट्रेटजिक पार्टनर है। एशिया में फ्रांस का कोई भी और स्ट्रेटजिक पार्टनर नहीं है, यहाँ से आप समझ सकते हो कि फ्रांस के लिए इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है और वाइस वर्सा ऑफ कोर्स। और फ्रांस का वैसे एक ही मिलिट्री बेस नहीं है रियूनियन आइलैंड में, फ्रांस का जिबोती में भी बेस है जहाँ पे चाइना का बेस है, फ्रांस का यूएई में भी एक बेस है, वहाँ पे भी फ्रांस अपनी जो नेवी है उसको डॉक कर सकता है। तो फ्रांस के पास बहुत सारे कोऑर्डिनेशन के मैकेनिज्म्स हैं, और यूएसए के साथ भी वो कॉपरेट करता है, जापान के साथ भी कॉपरेट करता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कॉपरेट करता है, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड। तो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे। मैं कहूँगा कि यहाँ पर सेशल्स में इंडिया ने ये आइलैंड लीज पर लेकर इंडियन ओशन रीजन में जो सिक्योरिटी थी उसको काफ़ी हद तक फुल प्रूफ कर लिया अपने लिए। अगर हम इंडिया और सेशल्स के रिलेशंस के बारे में देखें तो जब से सेशल्स को आज़ादी मिली है इन 1976, ये रिलेशन बहुत ही बेहतर होता गया है हर साल। अगर हम 1976 देखें तब से इंडिया का जो रिलेशन है सेशल्स के साथ वो काफ़ी अच्छा हो गया था। बहुत सारे इंडियन सेशल्स में गए, उन्होंने वहाँ पर बिजनेस किया, कई लोग वहीं पे बस गए। और वैसे ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट आपको बात ये भी बतानी चाहिए कि एक बार सेशल्स में तख्ता पलट होने वाला था 1986 में, तख्ता पलट आपको बताया है कू, और उस वक्त जो सेशल्स के प्रेसिडेंट थे रने वो अफ्रीका में थे, तो उनको जल्दी से जल्दी वापस अपने देश पहुंचना था ताकि वो अपने देश में तख्ता पलट रोक सके। और यहीं पर जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त इंडिया के, राजीव गांधी, उन्होंने इंडियन नेवी चीफ जो थे उस वक्त एडमिरल तिहलानी, उनको बोला कि INS विद्यागिरी को भेजिए और जो सेशल्स के जो प्रेसिडेंट है जल्दी से उनको सेशल्स में पहुंचाइए। और वहाँ पर इंडियन जो डायस्पोरा था, जो इंडियन वहाँ पर डिप्लोमेट्स थे, उन्होंने भी पूरी कोशिश करी कि सेशल्स में तख्ता पलट ना हो, और काफ़ी हद तक सेशल्स में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बरकरार रखने में इंडिया का एक बहुत ही बड़ा रोल था। उसके अलावा और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स रहे हैं इन द पास्ट जहाँ पर इंडिया ने सेशल्स की बढ़ चढ़ के मदद करी। फॉर एग्ज़ाम्पल 2009, इस दौरान सेशल्स की जो ये यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पर सोमालिया के पायरेट्स काफ़ी अटैक कर रहे थे, काफ़ी बार जो सेशल्स की शिप्स थी उनको हाईजैक कर लिया गया था। यहाँ पर इंडियन नेवी ने इंटरवीन किया और काफ़ी हद तक पायरेट्स को दूर भगाने में मदद करी सेशल्स की। फिर 2014 हम कैसे भूल सकते हैं, जब इंडिया ने पूरी एक शिप ही गिफ्ट में दे दी सेशल्स को, INS तरासा, एक कमाल की वॉरशिप थी और इसको गिफ्ट में दे दिया गया। इससे होता क्या है कि इंडिया के रिलेशंस इंप्रूव होते हैं इन छोटी कंट्रीज से, और इसका बेनिफिट इंडिया को लॉन्ग टर्म में मिलता है। अब जैसे ये जो इंडिया ने ये सब किया था 2009 में, 2014 में, उसके बाद राजीव गांधी के टाइम में, इन सब चीज़ों की वजह से सेशल्स के लोगों में और सेशल्स की सरकार में इंडिया को लेकर एक काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव आउटलुक है, और वो इंडिया को अपना एक पूरा आइलैंड लीज पर भी दे सकते हैं। और अगस्त 2015 में इंडिया और सेशल्स ने एक टैक्स एग्रीमेंट भी साइन किया था। जब आप इंडिया और सेशल्स के रिलेशंस के बारे में लिख रहे हो तो आप ये चीज़ भी मेंशन कर सकते हो, जिससे इंडिया को सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जो लोग टैक्स से बचने के लिए, टैक्स को अवॉइड करने के लिए इंडिया से पैसा सेशल्स या फिर बाकी और जो कंट्री से भेजते हैं उनको इंडिया ट्रैक कर सके और वो लोग टैक्स से ना बच सके। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर सेशल्स ने इंडिया के लिए कुछ किया। 2014 में चाइना के एक गवर्नमेंट न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था जिसमें लिखा था कि चाइना 18 स्ट्रेटजिक सपोर्ट बेसिस बनाना चाहता है इंडियन ओशन रीजन में,
यहाँ पे बहुत सारे रीजन्स के बारे में बात की गई थी, यहाँ पर जिबोती के बारे में, एडन के बारे में, सलाला, सेचेस, ग्वादर और वेरियस और जगह उनके बारे में भी यहाँ पे मेंशन था। मगर बाद में ये आर्टिकल में जो भी लिखा रहा चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसको इमीडिएटली डिनाई कर दिया, कहा कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले। और यहाँ पर जो ये अखबार था इस चाइनीज़ न्यूज़पेपर का, अगले ही कुछ दिनों में ऑनलाइन उसको वापस ले लिया गया, उसको डिलीट कर दिया गया। मगर हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक जो इस आर्टिकल में लिखा था चाइना उसी राह पे आगे बढ़ रहा है। आप कहोगे कि सेचेस का जो यहाँ पर जो आइलैंड था वो तो इंडिया को मिला है लीज़ पर, मगर यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो आइलैंड है वो चाइना को ऑफ़र किया गया था। चाइना के हाँ करने से पहले ही इंडिया ने इंटरवेंशन कर दी और 2015 में यहाँ पर ये 20 साल के लिए ये जो आइलैंड है अजम्पशन आइलैंड ये लीज़ पर ले लिया। तो अभी के लिए चाइना ने मॉरिशस में एक और आइलैंड में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया है। ये है गदू आइलैंड, ये मेल से करीब 450 किलोमीटर की दूरी पे है और ये मॉरिशस का पार्ट है। अब ये आइलैंड अगर मान लीजिए चाइना को मिल जाता है लीज़ पर, तो चाइना को एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल जाएगा पूरे इंडियन ओशन रीजन में और चाइनीज़ मिलिट्री इंडियन मिलिट्री पर एक काफ़ी बड़ी एज भी प्राप्त कर सकती है। अब यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है कि मिलिट्री बेसिस इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि आप एक बार सोच कर देखो, जब सेशल्स में इंडिया अपना मिलिट्री बेस बनाएगा, वहाँ पे जो अजम्पशन आइलैंड है वहाँ पे इंडिया घर बनाएगा अपने सोल्जर्स के लिए, अपनी नेवी के लिए पूरा वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई जाएगी और बहुत सारी और चीज़ें वहाँ पे बनेगी, काफ़ी खर्चा आता है। फिर वहाँ पे सोल्जर्स के लिए रेगुलरली वहाँ पे राशन पहुँचना चाहिए और भी फैसिलिटीज़ चाहिए, बिजली चाहिए, उस सब में काफ़ी खर्चा आता है। तो इस ये सब इंडिया कर क्यों रहा है? अब यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी बता रहा हूँ कि अजम्पशन आइलैंड में उससे पहले 7 लोग रहते थे, सिर्फ 7 लोग, और उनको अब ऑप्शन दी गई कि वो या तो इवैक्यूएट कर सकते हैं या उनके लिए उसी आइलैंड के किसी किनारे में कुछ घर बना दिए जाएंगे, वो भी इंडियन गवर्नमेंट ही बनाएगी। तो ये सब एक्सपेंसेस हैं, इससे मिलता क्या है हमको? देखो, कहीं भी आपका अगर एक मिलिट्री बेस है तो वहाँ पर आपकी मिलिट्री को एक बहुत ही बड़ी आउटरीच मिल जाती है। उनकी जो आर्म्स है, उनकी जो कैपेसिटी है, उनका जो अटैक करने का दायरा है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। और मिलिट्री बेसिस इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं इवन दो उन पर बहुत ही ज़्यादा खर्चा आता है। इंडिया शायद इस मिलिट्री बेस में इन्वेस्ट नहीं करता अगर चाइना बहुत ही बड़े स्केल पर जिबोती और आसपास के और एरिया में मिलिट्री बेस बनाना ना स्टार्ट करता। बट अगर हम पूरी दुनिया में देखें कि सबसे ज़्यादा मिलिट्री बेसिस किस कंट्री के पास है, तो वहाँ पे टॉप पे है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। USA के पास इस वक्त 38 नेम्ड बेसिस हैं, उस सबके अलावा बहुत सारे डजन्स अननेम्ड बेसिस हैं वहाँ पे सीक्रेटली US आर्मी नेवी वहाँ पे डिप्लॉयड रहती है और इससे US आर्मी का बहुत ही बड़ा खर्चा होता है। US डिफेंस बजट का करीब 10-20% इन मिलिट्री बेसिस को मेंटेन करने में ही लग जाता है, मगर तब भी इससे USA को एक बहुत बड़ी पावर मिलती है। USA दुनिया के किसी भी कंट्री पे कभी भी अटैक कर सकता है और उसके सोल्जर्स आसपास ही होंगे, उनको इमिडिएटली बहुत ही बड़े स्केल पर अपने सोल्जर्स या अपने एयरक्राफ्ट को कहीं पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इन मिलिट्री बेसिस से आपकी मिलिट्री नेवी को ज़रा पावर मिलती ही है, मगर साथ ही साथ आपको डिप्लोमेटिक लीवरेज भी मिलती है, जिसका एक सुनहरा एग्जाम्पल हमको देखने को मिला जैसे ही इंडिया ने जो आइलैंड है अजम्पशन आइलैंड वो लीज़ पे लिया। उसके अगले ही दिन चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है कि वो सीपैक को लेकर इंडिया से बात करने को तैयार है। जो भी इंडिया के डिफरेंसेस हैं सीपैक को लेकर, जो भी इंडिया चाहता है कि सीपैक को लेकर चीज़ें ठीक करी जाए, उसके बारे में वो इंडिया से बात करना चाहता है। अब वो बात में क्या निकलता है, जो भी होगा, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मगर यहाँ पे चाइना ने स्टांस चेंज किया है और डेफिनेटली आप कह सकते हो इंडिया का जो पहला नेवल बेस है इंडियन ओशन रीजन में, उसने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले किया होगा। सो दिस इज़ दी एंड ऑफ आर वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर करिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप या जहाँ भी आप चाहें। कीप स्टडिंग हार्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।